हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हेडिंग देखकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा आज मैं किस चीज के बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो एनआईटी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। कहीं कहीं पर क्या है कि कुछ एनआईटी है जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। कहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद में आपको उसको ईमेल आईडी पे सेंड करना है। कहीं पर जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फिल करते हैं वैसा ही फिलअप करके आप सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसी वजह से आप कभी भी जब कोई भी एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप उसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर्स को एक बार अच्छा से रीड कर लीजिए, उसमें क्या बोला है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फी जो नॉन रिफंडेबल है वो बर्बाद हो जाएगा, आपका मनी जो है वेस्ट हो जाएगा। तो मनी को सेविंग करने के लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सब एनआईटीज के अलग अलग रूल्स हैं। तो चलिए इसको आज जो मैं बताऊंगी आपको जुलाई 2021 टू 2022 के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं जुलाई सेशन को ऑट सेमेस्टर या ऑटम सेमेस्टर भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को विथ लास्ट डेट का डिटेल्स के साथ बताऊंगी। और सारे NITs में आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम में जाते हैं। फर्स्ट में कौन है, SBNIT सूरत। SBNIT सूरत दैट मींस सरदार वल्लभ भाई NIT सूरत, जहां का एप्लीकेशन फी है 2000 फॉर ओपन ओपी मींस ओपन। ओपन में जनरल आ जाएंगे OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए, एंड 1500 फीस है आपका SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट है 18th जून को। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करके डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हैं उसके लिंक पे, और इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स को आप अच्छा से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपको उसका डायरेक्ट लिंक आपको उसके वेबसाइट में नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो भी मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, आप उससे एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन वाउचर है 2021 के लिए आप उसको डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपका नीचे पे जाइएगा तो डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका एक्सेस हो पाएगा, ओपन लिंक है। तो आप वहां से आप डायरेक्ट जैसे आप PDF को ओपन कीजिएगा तो नीचे जाइएगा तो आपका वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो उसी को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये NIT जमशेदपुर का है, नहीं तो आप बोलिएगा मैंने बोला, मैम ने बता दिया और हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोग को बता दी, इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर पे लिंक है जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे NIT मणिपुर। NIT मणिपुर का एप्लीकेशन फी है 500 फॉर जनरल एंड OBC। यहाँ पे देखिए EWS कैंडिडेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप मान के चलिए EWS, मान के चलिए क्या, ये आपको EWS जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको जनरल फी ही लगती है, तो उसको 500 फीस ही आपको देना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। एंड फॉर SC ST के लिए आपका 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 24th मई से, एंड लास्ट डेट है 23rd जून को। NIT मणिपुर का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, फिर उस फॉर्म को हैंड रिटन पे आपको फिल्ड करनी है। फिल्ड करने के बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को जीरोक्स करके वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड साइन करनी है, सिग्नेचर करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको, और सबको एक साथ अटैच करके उसका स्कैन करने के बाद PDF फाइल में, सिंगल PDF फाइल, ऐसा नहीं कि आपको दो तीन PDF फाइल बनानी है, सिंगल PDF फाइल में ही आप एक साथ बनाइए एप्लीकेशन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद में आप NIT मणिपुर का ईमेल आईडी है जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स में रहेगा आप वहां पे उसको सेंड कर दीजिएगा, तभी जा करके आप एलिजिबल हैं, तब जा करके आपको लोग शॉर्टलिस्ट करेगा। यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ये आप ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते हैं। एंड इसका जो फीस है एप्लीकेशन फी, आप वहाँ पे बैंक का लिंक दिया हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे डायरेक्ट NEFT
या कहीं से भी आपको जहां से पे करना हो वहां से आप पे कर सकते हैं। MNIT जयपुर, मालवीय NIT जयपुर। मालवीय NIT जयपुर का एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज फॉर जनरल एंड OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड 500 रुपीज से SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 4 जून से एंड इसका लास्ट डेट है 30 जून को। 30 जून को इसका लास्ट डेट है, तो इसमें भी आपका 15 to 16 days है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप उसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर्स को एक बार अच्छा से रीड कर लीजिए, फिर आप उसको देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है उससे रिलेटेड है कि नहीं है। उसके बाद आप रिसर्च एरिया देखिए, आपका इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया और MNIT जयपुर का रिसर्च एरिया दोनों को मैच कीजिए। अगर आपका मैच करता है तब जा करके आप उसमें फिलअप कीजिए। NIT नागालैंड। NIT नागालैंड का एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज फॉर ओपन OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। ओपन ओपन फॉर जनरल हो जाएगा, जनरल कैंडिडेट्स को ओपन में रखा गया है एंड नो फी। देखिए ये सबसे बड़ी खासियत बात है, अभी तक कोई NIT ने नहीं बोला कि आपको फीस नहीं देना है बोल के SC ST कैंडिडेट्स को भी। लेकिन यहाँ पर नागालैंड एक ऐसा है NIT जहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स एंड PH कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो आप प्लीज, आपकी तो कोई फीस नहीं लग रही है SC ST कैंडिडेट, तो प्लीज आप इस फॉर्म को एक बार फिलअप कीजिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता दे रही हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। इसका स्टार्टिंग डेट 12 मई से स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। तो देखिए NIT नागालैंड में, जैसे NIT नागालैंड का एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे लिस्ट है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का डिग्री एंड मार्कशीट, मास्टर्स का डिग्री एंड मार्कशीट, ये सारे को डॉक्यूमेंट्स को, और अगर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वाला है तो उस चीज़ को भी, सब कुछ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने बोला है, सारे को डॉक्यूमेंट्स को आप जीरोक्स को सेल्फ असिस्टेड कॉपी के साथ में, सेल्फ असिस्टेड साइन करने के साथ में उसको NIT नागालैंड का फील्ड फॉर्म के साथ में उसको अटैच कीजिए और फिर आप NIT नागालैंड में भेज दीजिए। इस ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में उसका एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ से उस एड्रेस को कॉपी करके आप उसमें भेजिए। और इसका जो एप्लीकेशन फी है आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, DD बना करके आपको इसको भेजना है। तो देखिए ये NIT में डिफरेंट है, तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए। नंबर 7th NIT त्रिची। NIT त्रिची का एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज फॉर OC दैट मींस अदर कास्ट OBC एंड EWS कैंडिडेट। देखिए कहीं पर ओपन बोला गया है, कहीं पर अदर कास्ट बोला गया है, ये सारे जनरल्स के ही अलग अलग नेम है एंड 750 रुपीज से SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। और इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द 9th जून से एंड ये 9th जुलाई को लास्ट डेट है। तो आप NIT त्रिची में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NIT कर्नाटका। NIT कर्नाटका सुरतकल। कोई कहीं पे कई स्टूडेंट इसको NIT सुरतकल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नेम NIT कर्नाटका है। इसका एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज फॉर OC दैट मीन्स जनरल कैटेगरी एंड OBC कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ पे EWS कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन EWS कैंडिडेट्स अगर कोई है, कोई ऐसा स्टूडेंट, तो आपको 500 फी ही पे करनी है एंड 150 रुपीज फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड इसका लास्ट डेट है 15 जुलाई। लेकिन NIT कर्नाटका में आप फॉर्म तो ऑनलाइन फिलअप कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है, फिर उसके बाद में उसको, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालिए और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद में, जीरोक्स बोलिए, जीरोक्स निकालने के बाद में उसमें आपको सेल्फ असिस्टेड साइन करनी है और NIT का जो आप फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी आपका कैंडिडेट्स का, पेरेंट्स का अलग अलग दिया हुआ है कॉलम, आपको फॉर्म है आपको उसमें भी साइन करना है और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म को
अटैच्ड करके आपको इसको भी स्पीड पोस्ट करके एनआईटी कर्नाटका में भेज देना है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, एनआईटी कर्नाटका को आपको स्पीड पोस्ट में भेजना है और एनआईटी नागालैंड को। चलिए, एनआईटी का अलग अलग है और एक है लास्ट जो मैं बताई हूँ, एनआईटी तो नहीं है लेकिन सीएमआई चेन्नई, ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है और ये चेन्नई में ही है और यहाँ पे पीएचडी होती है फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में। अगर आप फिजिक्स मैथ्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एनआईटी एंड आईआईटी के तरह ही आपको ये स्कॉलरशिप देती है, चाहे आप। अच्छा, इस बात यहाँ का और एक खासियत है सीएमआई चेन्नई का, आपको जरूरी नहीं कि गेट या नेट क्वालिफाइड हो, आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट अगर क्वालिफाई हो जाता है फिर आप यहाँ पर इंटरव्यू भी होगी। इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है सबको ये लोग जेआरएफ के जैसे ही ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं, 31,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 35,000 आफ्टर 2 ईयर्स एसआरएफ के लिए। तो यहाँ ये भी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फी है 1,000 रुपीज। देखिए, ये कॉमन इसका एप्लीकेशन फी है, कोई एससी एसटी या ओबीसी जनरल कैटेगरी कुछ ऐसी कैटेगरी नहीं है। इसका स्टार्टिंग डेट है 1 मई, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, एंड लास्ट डेट है 15 जून को। 15 जून इसका लास्ट डेट है, तो इसमें बहुत ही लेस टाइम है। अगर आप फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को एक बार जरूर देखिए। और इसका इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फॉर्म को फिलअप कीजिए और आप भेज दीजिए। और इसका एंट्रेंस एग्जाम है 1 अगस्त को। देखिए, जो भी मैं एनआईटीज के बारे में बताई आप लोगों को, अभी तक उन्होंने रिटर्न एग्जाम्स का डेट के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है। ऐसे सभी जगह पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है, सब जगह पे, जितने भी एनआईटीज के बारे में बताई, कोई भी एनआईटी आपका विदाउट रिटर्न टेस्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं लेता है। तो फर्स्ट आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप रिसर्च एरिया देख लीजिए कि आपका कौन सा रिसर्च एरिया है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसर्च एरिया से ही रिलेटेड। अब मैं बोलूंगी रिटर्न जो, और जो रिटर्न एग्जाम में आपका गेट का सिलेबस है, तो गेट के सिलेबस को आप पढ़ के जाइए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं कंपाइलर डिज़ाइन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे ही, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे कंपाइलर डिज़ाइन का प्लेलिस्ट। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें वहाँ पर जो कंपाइलर डिज़ाइन, गेट कंपाइलर डिज़ाइन का फोल्डर्स मैंने बनाया है, वहाँ पर मैंने पूरे कंपाइलर डिज़ाइन का फुल सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया है। तो आपको 6 to 7 hours, आई थिंक 7 to 8 hours है, तो मैंने फुली कंप्लीट कर दिया है। तो आप 7 to 8 hours में कंपाइलर डिज़ाइन के मास्टर बन जाइएगा, और वो मैं ओनली इंग्लिश में पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो लाऊंगी तो मैं बायलिंगुअल ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड है कि मैम आप हमें हिंदी में पढ़ाइए, या कोई बोलता है हमें इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं उतना तो टाइम सबको नहीं दे सकती इंडिविजुअली, तो इसी वजह से मैं बायलिंगुअल ही अब बनाऊंगी, बट मेरा कंटेंट इंग्लिश में ही होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये है कुछ NITs एंड CMI चेन्नई का डिटेल्स जो PhD एडमिशन के लिए है। और नेक्स्ट आर आएगा, और भी NITs हैं जिसका एडमिशन का फॉर्म अभी तक आया नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आया नहीं है, और आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बना करके जरूर आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अगर आपको, अगर आप इंटरेस्ट, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जा करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, तभी जा करके आपको पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन के बारे में ही यहाँ पर बताऊंगी, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। पहले तो मैं, अभी तक तो मैंने CAC ही पढ़ाया है, आगे मैं देखती हूँ अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो मैं आगे भी बहुत कुछ करा सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।